पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के सौजन्य से होली मिलन समारोह और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जैन धर्मशाला घास मंडी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही काफी संख्या में जिले के व्यापारी बंधु भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणेश जी के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। सभी व्यापारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी जिले नगर और महिला इकाइयों का स्वागत कर मनोनयन पत्र प्रदान कराए गए। सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। मनोनयन के द्वारा दीपक अग्रवाल सर्राफ को जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, विपिन कुमार लंकेश को जिला महामंत्री, रविंद्रनाथ ठाकुर को जिला चेयरमैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सिसोदिया, मनीष गोयल को साइबर क्राइम एक्सपर्ट, मनीष बेरी को जिला कोषाध्यक्ष, कानूनी सलाहकार अनुज गुप्ता और दीपक गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक सिंगल को बनाया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष रोहित बंसल, महानगर महामंत्री प्रखर अग्रवाल, महानगर महिला इकाई चेयरमैन शोभना गुप्ता, महानगर महिला अध्यक्ष विमला सक्सेना, महानगर महिला महामंत्री रेणु अग्रवाल और निधि सेठी को महिला इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान अन्य पदाधिकारियों को भी शपथ ग्रहण कराई गयी। सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे, मैं अपना नाम लगाएंगे। व्यापार मंडल के पद पर मनोनीत घोषित किया गया हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं व्यापार मंडल की गोपनीयता कभी भंग नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ मैं दलगत राजनीति छोटे बड़े ऊंच नीच से ऊपर उठकर सभी व्यापारियों की सेवा करने का काम करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ मैं जीवन में किसी भी व्यापारी की शिकायत सरकारी कार्यालय या अधिकारी से नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मुरादाबाद जिला प्रदेश इकाई से आए सभी निर्देशों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सदैव व्यापारी हित में कार्य करूंगा। धन्यवाद। संघर्ष कर रहा है आज मुरादाबाद इकाई में नगर इकाई, जिला इकाई, महिला इकाई, प्रांतीय पदाधिकारी, चेयरमैन, इन सभी पदों की विधिवत घोषणा की गई है। उन्हें पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। मैं आज विश्वास करता हूं कि जो मुरादाबाद जिले में हमने अपनी कमेटी बनाई है, ये कमेटी संघर्ष करके व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगी और व्यापारियों को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाएगी। आज वर्तमान समय में होली का त्यौहार अभी आज चालू है, फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और व्यापारी का सैंपलिंग के नाम पर तरह तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, जीएसटी में बिजली विभाग, मापतोल विभाग, लेबर ऑफिस, शासन और प्रशासन, हर समस्या व्यापारी के सामने है। बैंकों का ब्याज लॉकडाउन के कारण जो दुकानें बंद रही थी वो माफ नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के 3.5 करोड़ व्यापारी एनपीए के कगार पर खड़े हुए हैं। इस पर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूँ व्यापारी और व्यापार में बैंक भी बर्बाद हो जाएंगे। एक मेरा सवाल है कि व्यापारियों में सबसे बड़ी समस्या ये आती है जो मनमुटाव आपस में जो व्यापारी हैं उन्हीं में नजर आता है और जो व्यापारी है वो कई संगठनों में बढ़ जाता है, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, व्यापारी ना कहीं बढ़ता है ना कहीं जाता है, समय बढ़ता है, इकाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं,
एक परिवार था, एक पिताजी थे, चार लड़के हुए, चार परिवार हो गए, चार पिताजी हो गए, उसके बाद उनके आठ परिवार हो गए। इस तरीके से कुंभा बढ़ता चला जाता है। जितने व्यापार मंडल बने हुए हैं, सभी व्यापार मंडल व्यापारी हितों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। व्यापारियों में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं दुराग्रह की भावना नहीं है। हम लोग सब मिलकर व्यापारी हित के काम करने का काम करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक सोच में आकर व्यापारियों की सोच को पीछे रख देते हैं। ऐसे लोगों को व्यापारी समाज जल्दी चिन्हित कर किनारे करते हैं। ठीक, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।